अमेरिका का राष्ट्रपति क्या दिखाया, देखिए इधर सुनिए, निकाल करके फेंक दिया, बोला आज से हमारे अमेरिका में कोई सर नहीं लगाएगा, और उनको कम विश्वास है कि हमारे देश का बीमारी हम भगा दिए। हाँ तो उसको वो हो गया है, वहाँ से कोरोना मुक्त हो गया है अमेरिका। हाँ इसीलिए वहाँ का जो राष्ट्रपति है जो बाइडन, हाँ उसने वो क्या कहा है कि आज से मास्क लगाना बंद कर दीजिए आप लोग। यही है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई गेस सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। और अभी जो दादाजी थे वो सुबह सुबह, वो मतलब ये तो न्यूज़ कल की है, कल या परसों की न्यूज़ है कि जो बाइडन ने मास्क निकाल के फेंक दिया था, उसके बाद कहा था कि देयर इज नो नीड टू वियर दिस मास्क, कहा कि अब कोरोना यहाँ से ख़त्म हो चुका है तो मास्क पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसको यहाँ डाल देते हैं तो कोई भी गाय बछड़ा कुछ भी आता है तो वो यहाँ से आके खा लेते हैं सब। केले का छिलका हो गया, कुछ भी होगा, यहीं ला के रख देते हैं तो मेरा गंदगी भी साफ़ हो जाता है और उनको खाना भी मिल जाता है, दोनों काम हो जाता है। फिर बैंक जा रहे हैं, देखते हैं आज काम जो होना है वो हो पाता है कि नहीं। कई दिनों से तो बैंक जा रहे हैं, काम हो ही नहीं पा रहा है। पापा चाबी दीजिए, हम थोड़ा वो लेते हैं, एटीएम कार्ड लेते हैं, पैसा निकाल लेंगे ना। भूल गए, पर्स लाना भूल गया हूँ। पर्स लेके आता हूँ तो फिर उसमें एटीएम कार्ड है। अब ये देखो, यहाँ से गाड़ी बंद और ये आराम से पहुँचा देगी हमको बैंक तक, एकदम आराम से। और इसकी स्पीड देखो कितनी तेज है। आई गेस ये देखो 30 की स्पीड पे चल रही है, अभी थोड़ा सा डिक्रीज होगा फिर बढ़ेगा अभी स्पीड इसका। गाड़ी चलाने की ज़रूरत ही नहीं है। पापा बाहर बैठे हैं, क्या हुआ, काम नहीं हो रहा है क्या? बैंक से वापस आ गए और वापस आने के बाद पापा तुरंत थोड़ा सा नाश्ता किए हैं, खाना तो खाए ही थे हल्का सा, फिर थोड़ा सा कुछ खाए हैं, उसके बाद वो ड्यूटी चले गए हैं और फिर जिस काम के लिए हम लोग बैंक गए थे वो सब काम भी हो गया। और उसके बाद एक चीज़ और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि मे बी कल या परसों मैं फिर से क्या बोलते हैं थोड़ा सा काम है तो मैं बाहर जाऊँगा, तो मैं थोड़ा सा पहाड़ी साइड में जाना पड़ रहा है मुझे, तो मे बी मैं दिखा पाऊँगा आपको जो वहाँ यहाँ क्या बोलते हैं जो यहाँ की झिमुरदा की पहाड़ियाँ हैं, बारिश हुई है तो बारिश के कारण काफ़ी हरी भरी हो गई है, तो मैं उसको दिखाऊँगा आपको, तो आगे आने वाले ब्लॉग को स्किप मत करिएगा आप लोग। पापा अभी कॉल किए थे, वो अभी ड्यूटी में हैं, तो वो कॉल पापा अभी कॉल किए थे, वो ड्यूटी में हैं अभी, तो उनके ना एक आँख में शायद ये वाली है कि ये वाली है मुझे ये नहीं याद है, उनकी एक आँख लाल हो गई है, पता नहीं डस्ट लगने से या जैसे भी, तो उनकी आँख वाली जो दवा है ख़त्म हो गई है, तो अभी सिंगरौली चलते हैं, सिंगरौली देखते हैं कोई मेडिकल खुला होगा तो वहाँ से लेके आते हैं। मैं क्या सोच रहा हूँ ना कि सिंगरौली जाने से पहले एक बार यहाँ NCL में जो NCL कह रहे हैं यार, बार बार NCL आता दिमाग में, सिंगरौली जाने से पहले एक बार यहाँ झिंगुरदा का जो मेडिकल है वहाँ चेक कर लेते हैं, अगर वहाँ दवा मिल गई तो उससे अच्छा तो कुछ है ही नहीं, ज़्यादा दूर जाना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो कोई मेडिकल ही नहीं खुला है। कोई बात नहीं, अब नॉन स्टॉप सिंगरौली चलते हैं, बस बीच में कोई रोक टोक ना हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, क्योंकि यहाँ पे लॉकडाउन है ना। वैसे तो मैं किसी फालतू काम से जा नहीं रहा हूँ, मुझे तो जाना है दवा लेने के लिए, बट देखते हैं। ये देख रहे हो पूरा बैरिकेडिंग हो गया उधर, सब खुला हुआ था। कॉलोनी के जो आम रास्ते हैं, मतलब जहाँ पे मतलब इस रास्ते को छोड़ के हाईवे टाइप को छोड़ के सारे लोग अपना अपना बैरिकेडिंग करवा दिए हैं।
भैया मेडिकल कहाँ है इधर? मेडिकल मेडिकल ओ एक मेडिकल यहाँ पे है आई गेस, यहाँ मिल जाएगा। ये सिप्लॉक्स डी मिलेगा, एक दे दीजिए। कोविड में बिकी हुई दवा वापस नहीं होगी। ये जो बंदा खड़ा है यहाँ पे सामने, मेरा हुआ है टोटल 38 रुपये, तो 12 रुपये वापस करने के लिए बोला है जो दुकानदार का मालिक है। बट वो क्या किया है कि 10 रुपये वापस किया है और 2 रुपये का टॉफ़ी दिया है। तो 2 रुपये का टॉफ़ी तो मुझे दे दिया है, बट उसके बाद क्या किया, उसमें से 1 रुपये की टॉफ़ी वो खुद निकाल के खा गया है। मिल गया मिल गया। जो लोग नए नए एनसीएल में रिक्रूट हो रहे हैं, जिनके भी मेरे चैनल पे कमेंट्स आते हैं, तो वो लोग देख ले, यहाँ पे ये शिव मंदिर था जहाँ पे मैं अभी गया था, वो शिव मंदिर के बगल में मेडिकल शॉप है, फिर से फ्रूट्स वगैरह लगता है, फिर वहीं बगल में बस स्टैंड भी है, और ये जो है ये यहाँ का पुलिस स्टेशन है। यहाँ पे इस चौराहे पे, चौराहे नहीं तिराहा, इस तिराहे पे इतनी भीड़ लगी रहती है, गाड़ियों की बस की, सब सन्नाटा एकदम। अरे यार गजब धुआं उड़ा रहा है ये। वो देखो ऊपर पहाड़ी पे, वहाँ पे दैट साइड, वहाँ पे देखो कितना डस्ट उड़ रहा है। वहाँ पे डंपर आया होगा, वहाँ पे जितना भी वेस्ट होगा, मतलब पत्थर होगा जो कोयला नहीं होगा, वो डंप किया होगा, देखो नीचे गिर रहा है वहाँ से। एक मिनट मैं गाड़ी साइड में लगाता हूँ, उसके बाद थोड़ा सा जूम करके, फ़ोन से जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि GoPro में तो जूमिंग सिस्टम होता नहीं है। यहाँ लगाते हैं। और वैसे भी जिस रोड पे मैं अभी खड़ा हूँ, इस पे गाड़ियाँ नहीं आती हैं, क्योंकि ये रोड बना नहीं है पूरा, उस बस उस वाले पे आती हैं, तो कोई घबराने वाली बात भी नहीं है कि कोई गाड़ी आ जाएगी। ये देखो फ़ोन से काफ़ी जूम कर दिए हैं, थोड़ा सा फट रहा होगा लेकिन ठीक है। अब ये पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है, ये देखो पूरा पहाड़ी वहाड़ी है, और थोड़ा जूम कर देते हैं ये। और पापा बोल रहे थे एक दिन कि मुझे लेके जाएंगे वहाँ पे, तो देखते हैं जिस दिन जाएंगे तो वहाँ की वीडियोस आपको पूरा दिखाएंगे। और एक चीज़, हाँ जैसे कि आप लोगों ने अभी जो पापा से मैंने इंक्वायरी की थी, जो उनका एक्सपीरियंस था उसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया था, तो उसके ऊपर मैं एक दो वीडियोस और लेके आने वाला हूँ, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। देखो जो अभी सामने वाला रोड है ये, इस पे देखो ऐसे पेड़ दोनों तरफ से आ गए हैं, ऐसे गोल सा बन गया है, और बीच से रास्ता कैसे, और सामने उतना दिखाई भी नहीं दे रहा, जब जैसे जैसे पास जाते जाएंगे वैसे वैसे दिखता जाएगा। और जितने भी लोग एनसीएल में नए आने वाले हैं, नए रिक्रूट होके अभी आने वाले हैं, तो ये चीज़ देख लीजिए, झिंगुरदा भवन। तो यहाँ पे जितने भी आपके प्रोग्राम होंगे, शादी हो गया, कोई फंक्शन हो गया, कोई पार्टी हो गई, तो उसका बोलते हैं यहाँ पे उसका आयोजन यहाँ पे हो जाएगा। हेलमेट निकालने के बाद इतना पसीना, इतना गर्मी में लगता है ना, इसे लगता है कि कितने, लग रहा है कई 100 किलोमीटर से ड्राइव करके आ रहे हैं, वैसे गर्मी हो गया। अभी अजीब सा मौसम हुआ है बाहर, मौसम बारिश जैसे बना हुआ है यार, इसको ना तुरंत डस्ट लग जाता है इस पर, फटाक से तुरंत डस्ट डस्ट डस्ट, एनसीएल इक्वल टू डस्ट।